तो गाइस हमारे तो पड़ोसी है गुल्ली, आई है क्या हुआ गुल्ली? कौन मारेगा? काय मारेगा? काय रो रहे आप? चलिए आइए बैठो, आएगा ना तो हम देख लेंगे। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज है वेंसडे और फिलहाल तो हम किचन में भी काम कर रहे हैं, मतलब खाना वाना बना रहे हैं। मेरे पति है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तो गाइस मैं जल्दी से सारा काम करके लंच वंच पैक करके मिलती हूँ आपसे। गाइस मेरे पति तैयार हो गए और इनका लंच बॉक्स लेके सबसे पहले हम निकलते हैं। चलो 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 बेबी जल्दी, गेट खोल रहा है। अल्ले ये हाथ में दर्द हो रहा है, नहीं खुल रहा। दम है नहीं, बड़ा गेट खोल देंगे। चलो कहाँ चलें? नहीं चलना है, और अच्छे से लंच बॉक्स पूरा कंप्लीट कर लेना, रोना मत, सबसे दोस्ती बनाए रखना, अच्छे से रहना, जल्दी आना। हम लंच हम देखेंगे, पूरा लंच बॉक्स चेक करेंगे। हम नहीं डरते, अकेले लंच बॉक्स पूरा चेक करेंगे। तो गाइस फाइनली मेरे पता चले गए और तो मैं जा रही हूँ अब, अपना कुछ कुछ कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ अब। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी शाम हो चुका है, मेरे पति आ चुके हैं और इतना सारा सामान लेके आए, मतलब डेली का जो होता है दिखा रही हूँ मैं आपको। तो इसमें मेरा आइसक्रीम जो हमको पसंद है, वनीला फ्लेवर, ये दूध, और इसमें क्या है, अच्छा केला लेके आया है इसमें गाइस, देख सकते हैं, और ये पक्का पपीता होगा। हाँ ये पपीता, और ये साबुन और मिर्च जलाने बोले थे, और ये इनका लंच बॉक्स। तो बीबी पूरा लंच खाए थे? हाँ, देखो ना वहीं पे तो है। छोड़े नहीं ना, देख भी कल छोड़ देंगे। क्या है, कितना खाएंगे? नो यू हैव टू, थोड़ा सा हाफ फास्टिंग करेंगे। तुमको सारा लंच कंप्लीट करना है ना, तो शिकायत करेंगे तुम्हारे मैनेजर से। तो कैसे इनका लंच बॉक्स है, इसमें कुछ सब्जियाँ लेके आए हैं। क्या क्या सब्जी है, क्या क्या लेके आए? भिंडी नज़र आ रहा है, धनिया पत्ता नज़र आ रहा है, और जो भी होगा सब्जी ही होगा कुछ ना कुछ। तो गाइस इसको मैं रख देती हूँ सारे फ्रिज में। ये लीजिए पकड़, ये वाला रख दीजिए फ्रिज में, वो फ्रिज में ही रखने वाला आइटम है। तो गाइस वो तो रख दिए, ये सब मैं अरेंज कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स बाकी जो बचा कुचा है उसको मैं अरेंज कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे पति आ गए, उनको मैं दे देती हूँ कुछ कुछ खाने के लिए। तो ये आउच गिर गया क्या? ये है भुंजा, तो मैं ये ले जा रही हूँ मेरे पति के लिए। मैं आप आइसक्रीम भी रखी हूँ गाइस, हम इसी में खा ले रहे हैं क्योंकि इसमें अब थोड़ा सा बचा हुआ है, और ये इनका, और ये खाइए खाइए। इतना आइसक्रीम खाएगी? हाँ हाँ, पूरा डब्बा भर के खाएंगे। तो डब्बा में कितना है? पूरा भरा हुआ है, खा के खत्म किया तुम्हें। हाँ हाँ, तो हम यही वाला खाए हैं, वो वाला हमने खाया है आज ही तो लाए थे वो डब्बा। अच्छा आप वो वाला लेके आए थे? हाँ बड़ा चल रहा था आज वाला है पूरा। हाँ सबको पता होगा कि हम उतना नहीं खा पाएंगे, कोई भी नहीं खा पाएगा, बताने वाला बोलने वाला बात। मतलब ये कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी, हम उतना ज्यादा खा ही नहीं सकते, कोई भी जान सकता उतना ज्यादा कोई भी नहीं खा सकता। ठीक है भैया, समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ खा सकते हैं, बोलिए दो डब्बा खा जाएंगे। वो छोटा वाला डब्बा बोलिए खा जाएंगे। अच्छा छोटा वाला, मेरे पति ना लाइक गाइस मिलते हैं हम लोग ये सब खाने के बाद, क्योंकि शाम हो गया तो कुछ मन करता है खाने का, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी शाम हो गया और पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि बादल बादल कर रहा है ना। नहीं शाम में ये हो ही जाता है, हल्का अंधेरा, कभी कभी लाइट ज़्यादा हो जाता है डिफरेंट तरीके का। हाँ तो आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि मैं लगती सो यू गाइस ढलती हुई शाम को मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे शाम ढल रहा है, यहाँ पे पूरा 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 घर भरा पड़ा है, सूर्य ढल चुका है। हाँ ये मेरे पति पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब बोलेंगे नज़ारा देख रहे हैं, हवा खा रहे हैं आज। खाने के लिए हम आपको खाना नहीं देते हैं? हवा भी खाना चाहिए, दोनों चाहिए, हवा और साथ में पानी और खाना। ओहो तो अभी इनको हवा का भूख लगा। तो गाइस हमारे जो पड़ोसी है गुल्ली आई है, क्या हुआ गुल्ली? कौन मारेगा? काय मारेगा? काय रो रहे आप? चलिए आइए बैठो, आएगा ना तो हम देख लेंगे। भैया पूरा मारे हैं, क्या हो गया उसको? यही रहो ना हम देख, चप्पल खोल रही है, चप्पल खोल रही है। आइए आइए अरे अरे यहाँ पे देखो ब्लॉक शूट हो रहा है। नहीं 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 एकदम नहीं, कहाँ गई थी तुम दीदी? क्या रोगी तो डर गए थे, खाना तो खाते हैं, पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। क्या कह रहे हो, उसको ढूंढो ना। तो कहाँ हो गया इसमें, इतना मक्खी का है? कोई बात नहीं बैठिए। तो गुल्ली क्या बोलना चाहती है आप? टेंशन में अभी क्या बोलेंगे बेचारे? नहीं रोते नहीं जाओ, अभी देखिए 1 2 3 करेंगे ना तो लाइट आ जाएगा। छुप अंदर, देखिए लाइट आ गया।
देखे मेरा जादू, तो रोते नहीं है गुल्ली, रिलैक्स, शी इज अ गुड गर्ल। हाँ, अच्छी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। हाँ, बस थोड़ा सा आपको भैया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इसलिए कोई बात नहीं लेना। देखिए इधर स्माइल, स्माइल अच्छा वाला नहीं आया, अभी थोड़ा उदास उदास वाला स्माइल आ रहा, सिसक रही है अभी। कोई बात नहीं, अभी आइसक्रीम खा के ठीक हो जाएंगे, है ना गुल्ली। तो आते हैं गाइस, मैं इनके लिए कुछ लेके, इनके मम्मी पापा जी नहीं है घर पे, दोनों भाई बहन लड़ाई कर लिया। भाई आपको अच्छा लग रहा है अब फाइनली, अब डरने ना लग रहा है भैया से, भैया कूल हो गए आपके, है ना गुल्लू। हाँ। दिखा दो थोड़ा सा आपको। गुल्लू शर्मा रहा है काफ़ी ज़्यादा। अब गुल्ली शांत हो गई है, अब गुल्लू आपके भैया कुछ नहीं करेगा, अब आराम से रहिए, ठीक है, ओके गुल्ली, ठीक है। तो गाइस मैं कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी देर बाद अपने ब्लॉग को। अरे मेरे पति वो भी आ गया है, तो आपको भी खाना है? नहीं नहीं, अरे आप तो खा ही नहीं, अब कितना ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, तुम भी है ना। हम भी है ना, शुगर इंटेक बढ़ा रही है पूरा। हम कहाँ बढ़ा रहे हैं, तो बस पूछे, खाना तो देंगे, नहीं खाना तो इट्स ओके, हम ही अभी यहाँ पे बैठे रहेंगे, उठना नहीं पड़ेगा। हम जबरदस्ती नहीं, हम बस पूछे आपसे, लाइक कुछ भी, जो मेरे पति है ना ये कुछ भी बोलते रहते हैं एकदम से, हंस रहे अभी। गुल्लू शर्मा रहा है इतना ज्यादा वाला। तो गाइस मिलते थोड़ी, हाँ आप ही पे गया, मिलते गाइस थोड़ी देर बाद। दीदी सुन रहे हैं, चाउमीन ऑर्डर कर दो। चाउमीन उमीन नहीं यार। हाँ यार गुल्लू बताइए, अच्छा लग रहा है तो चाउमीन, अच्छा लगता है ना चाउमीन? हाँ तो आज बस सरासर हिपोक्रेसी है। का हिपोक्रेसी की सीमा होती है? वही ना, इसका कोई सीमा नहीं है। क्योंकि हम अनंत हैं। अनंत हिपोक्रेट है। मतलब माइनस इनफिनिटी बोलते हैं। इनफिनिटी वाला हिपोक्रेट है। हम जो भी आप बोले, लेकिन हम खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी आज चाउमीन। नहीं यार मैगी अच्छा भी नहीं लगता खाने में बिल्कुल भी। चाउमीन तो मैं अब नहीं खाएंगे हम लोग। आप मत खाइएगा, तेल है ना उसमें, आप मत खाइएगा। आप बताइए क्या खाइए भैया, आप से फंडा खाइए। नहीं नहीं, हम लोग खाली खाएंगे तड़का और रोटी, नहीं जिसमें कि कम से कम ऑयल हो, है ना गुल्ली। वहाँ का चाउमीन कबाब महंगा मिलेगा चाउमीन, वही ना 500 रुपए एक प्लेट का वाला डोसा खाया। 500 नहीं है, 200 है। 500 रुपए का एक प्लेट? लाइक सीरियसली, हम तो पूरे बुड़बक बैठे हुए यहाँ पे, और क्या मैं गधा हूँ? हम गधे हैं, हम गधे नजर आ रहे हैं आपको? नहीं बोल रहे थे, हमारे घर में ये आए हैं, ये छोटे छोटे, क्या नाम है इन लोगों का? एक का नाम, इन लोग स्पीशीज का नाम है बर्डगी, एक का नाम है मंका, एक का नाम है, दो ही तो है, पिल्लू टिल्लू जो भी नाम हो, एक का नाम है कृष्णा। कृष्णा, हम लोग पिल्लू टिल्लू जो। वाओ कितना प्यारा है यार, लेट मी सी यू नाम क्या है? ऐसे तुम लोग बोलते हैं इसको, मम्मी बोलते हैं मिठू और इसको बोलती है मिठी। मिठू मिठी, मिट्टू मिट्टी, ठीक मानू। ये लोग सारे कोई देख रहे हैं मेरे ब्लॉग, यहाँ देख सकते हैं ये लोग, सबके मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और तब तक के लिए हम जाते हैं कुछ खाना बना लेते हैं, भूख लग रहा है। तो गाइज मैं मिलती हूँ आप लोग से, बाय बाय, गुड नाइट। देखा, अरे अरे, तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन, आ गए गाइज अपने किचन में। तो गाइस मैं कुछ खाना का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, तो ठीक है गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स अभी तो यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, देखते हैं कब तक ये बनता है, इसके बाद हम लोग खाने जाएंगे। अभी सीटी मारने वाला, शो 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 कर रहा है, मार दिया सीटी। तो गाइस खाना तो बन गया मेरा, सो फ्रेंड्स मेरा खाना तो बन गया, देखते हैं मेरे पति क्या कर रहे हैं। तो बीबी क्या कर रहे हैं आप आज? तो फोन लगा रहे हैं अभी, हाथ फोन तो नहीं है अभी आपके हाथ पे? आई एम ट्राइंग टू मेडिटेट। मेडिटेट, तो गाइस मेरे पति अब वो ट्राई कर रहे हैं मेडिटेट करने का, खुद मतलब खुद के दिमाग को शांत करने का, बहुत उनका दिमाग हलचल मचा हुआ है। टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं ब्रो। ओ हाँ सही बात बोल रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी से मेरे पति दूर रहते हैं। तो चलिए खाने के लिए चलिए, अब दूर रह लिया ना, चलते नहीं आप, चलिए अब मैं, मुझे ब्लॉग एंड भी करना है। तो गाइस हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, क्योंकि हम लोग को काफ़ी मतलब भूख लग गया तेज वाला, तो जा रहे खाना खाने के लिए। आई होप हमारा आज का जो ब्लॉग था वो आप लोगों को पसंद आया हो, है ना पति, बोलो ना। आना ही चाहिए। अरे अरे, तो फ्रेंड्स आई होप हमारा आज का जो ब्लॉग था वो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो हमारे आगे के ब्लॉग्स में बने रहना और खूब सारा प्यार देना। तो मिलते हैं हम लोग न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय करो पति, बाय बाय गाइज़।